नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेरोजगार संघ लगातार परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से करवाने की लड़ाई लड़ रहा है। कनिष्ठ सहायक परीक्षा के दौरान जो प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को प्राप्त हुए थे, उन प्रश्न पत्रों के सील पहले से ही टूटी हुई थी। बता दें कि राज्य गृह, राष्ट्रीय गृह, अंतर्राष्ट्रीय गृह में एक नकल माफियाओं की बड़ी चैन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कनिष्ठ सहायक परीक्षा के दौरान जिस 17 फुट कंटेनर में प्रश्न पत्र मौजूद थे, उन कंटेनर को मंद क्षेत्र के देहरादून और रुड़की की दो गाड़ियों ने रोककर ताला तोड़ने का आरोप लगा है। सरकार नकल रोधी कानून लाने के बाद जो बात कर रही है कि हमने 3 परीक्षा नकल विहीन कराई है, जो कि पूरी तरह से गलत है, और सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। जो चीटिंग तो है, इस चीज़ें लगी हुई है, परंतु देखिए हमारा आरोप इसलिए है, हमारे आरोप यहाँ की सरकार से भी है, आयोग से भी है, जो लगातार लंबे समय से इस बात को नकार रहे हैं कि यहाँ पर जो सील वाला प्रकरण जो बच्चे आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज बंद करने के लिए अपने नकल रोधी कानून तो ले आए, परंतु जो घटनाएं बार बार हो रही है उस घटना का फुल प्रूफ आप देख सकते हैं कि 25 फरवरी 2023 को आईलेट्स के लिए जो पेपर देहरादून में हुआ, उन पेपरों की ओएमआर ले जाते हुए रास्ते में जो घटना हुई, उस प्रकरण में थराली प्रखंड के सोल घाटी के दर्जनों गांवों को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग की हालत बदहाल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित थराली डुंगरी मोटर मार्ग के 7 किलोमीटर सड़क की बदहाल हालत में है। कुछ ही साल पहले बनकर तैयार हुई यह सड़क जगह जगह से टूट गई है, जिसमें आए दिन ग्रामीणों को जान हथेली पर रखकर यातायात करने को मजबूर होना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क मार्ग के रखरखाव के लिए विभाग की ओर से 25 लाख से ज्यादा की रकम आवंटित की गई, जो कि धरातल पर खर्च नहीं की गई है, और सड़क जगह जगह बदहाल स्थिति में है, जिसमें कई जगहों पर डामर उखड़ गए हैं तो कहीं सुरक्षा दीवारों और पुस्ते ढह चुके हैं, जिनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण नहीं किए जाने से हर समय यातायात में खतरा बना रहता है। उत्तराखंड की धामी सरकार का एक साल कार्यकाल 23 मार्च को पूरा हो जाने रहा है, और सरकार से लेकर संगठन तक सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल को जश्न की तरह मनाया जाएगा। बीजेपी ने इसके लिए बहुउद्देश्यीय शिविर लगाकर सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया है। साथ ही सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को पूरे प्रदेश भर में कॉन्फ्रेंस करने के भी निर्देश दिए गए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने धामी सरकार के बजट की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। एक तरफ जहां बीजेपी धामी सरकार के एक साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताकर इसका जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के अब तक के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बता रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार का एक साल का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा होने जा रहा है। सरकार से लेकर संगठन तक सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल को जश्न की तरह मनाया जाएगा। बीजेपी ने इसके लिए बहुउद्देश्यीय शिविर लगाकर सरकार की उपलब्धियों व योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करने का फैसला किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि संगठन धामी सरकार के एक साल को जश्न की तरह मनाएगी। जिला स्तर पर बहुउद्देश्यीय शिविर लगाकर सरकार की उपलब्धियों व योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। पार्टी का 23 मार्च को एक वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का हो रहा है। अभी इस दृष्टिकोण से हमने कार्यक्रम की रचना शुरू की है। मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रम रहते हैं, तो भी संगठन के कार्यकर्ता की सब कार्यक्रम में सहभागिता बने। जो जानकारी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है, 23 तारीख को विकास पुस्तिका का विमोचन होगा, उसमें जो वहां के स्थानीय विधायक हैं उस कार्यक्रम में रहेंगे, और 24-25 तारीख को हम लोग बहुत ही शिविर प्रत्येक विधानसभा में सरकार लगाने जा रही है। हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि उस बहुत ही शिविर में जो उसके लाभार्थी हैं और जिनको कुछ न कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट की ओर से मिलनी है, उनको उसमें निमंत्रित करें, उनको लाने की व्यवस्था करें। आपको बता दें कि धामी सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत 70 नकल विरोधी कानून,
राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी के साथ ही सरकार ने सत्य धर्मांतरण कानून को लागू कराया है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण कराने वालों को 10 वर्ष तक की जेल का प्रावधान किया गया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार का एक साल का कार्यकाल फ्लॉप साबित हुआ है। सुना है धामी सरकार को एक वर्ष पूरा होने पर समूची भाजपा प्रदेश भर में कार्यक्रम करके जश्न मनाएगी। हम भी तो जाने आखिर जश्न है किस बात का। यहाँ राजधानी देहरादून में युवाओं के ऊपर लाठी चला दी गई इस बात का जश्न है, या अंकिता हत्याकांड में अभी तक वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हो पाया इस बात का जश्न है, केदार भंडारी अभी तक नहीं मिला इस बात का जश्न है, या जोशीमठ भूधसाव में आपके कार्यकर्ताओं द्वारा राहत सामग्री की बंदर बांट की गई इस बात का जश्न है। लेकिन एक साल में क्या उपलब्धियां हुई है, जिस तरह से सरकार शोर मचा रही है, वो हमें एकदम ऐसा लग रहा है कि वे हमारी जनता के साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं। अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात न करें, जो कि बहुत प्रमुख मुद्दे हैं इस राज्य के, ज्वलंत मुद्दे हैं, तो जो तत्कालीन मुद्दे हैं इस राज्य के, वो भी ये सरकार हल नहीं कर पाई। आप ये देखिए किस तरह से यहाँ का युवा सीधा सीधा नशा की गिरफ्त में जा रहा है, और जो ड्रग माफिया है वो पूरी तौर से उत्तराखंड में अपने पांव जमा चुका है। देखिए, सरकार एक साल की उपलब्धि का जश्न मनाने जा रही है कि सरकार बने हुए एक साल होने जा रहा है, तो हम सरकार से कुछ हमारे सवाल हैं, जनहित के सवाल हैं, उन्हें पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार उन चीजों को लेकर जश्न मनाना चाहती है? क्या यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल गया उसका जश्न मनाना चाहती है? यहाँ की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया उसका जश्न मनाना चाहती है? प्रदेश का पलायन रुकने में क्या काम किया, क्या उसका जश्न मनाना चाहती है? आज सीबीआई की जांच नहीं हो पा रही है, हमारे युवाओं के जो ऊपर लाठीचार्ज हुआ, क्या उसका जश्न मनाना चाहती है? और सबसे बड़ी बात कि क्या इस प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्त कर दिया इस प्रदेश सरकार ने? बहन अंकिता भंडारी के उस वीआईपी का क्या नाम बता दिया? कुल मिलाकर किसी भी सरकार के आंकलन के लिए एक साल का कार्यकाल बहुत अधिक नहीं होता है, लेकिन फिर भी सरकार की दिशा और दशा का आंकलन तो किया ही जा सकता है। निश्चित ही धामी सरकार की कई खामियां हो, लेकिन सीएम धामी ने कम उम्र का होने के बावजूद भी जिस तरह से अपने विरोधियों को पीछे छोड़कर हर किसी के दिल में जगह बनाई है, वो भी कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। सवाल ये है कि धामी सरकार के पास आगे का क्या रोड मैप है, और उस पर सरकार कितना काम कर रही है, ये बड़ा सवाल है। देहरादून से हितेश कुमार की रिपोर्ट। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी बागेश्वर दौरे पर हैं। आपको बता दें, बागेश्वर नगर भ्रमण के दौरान पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने सुमार विश्व प्रसिद्ध बागनाथ धाम मंदिर के दर्शन भी किए, और इस दौरान मंदिर परिसर में मौजूद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया नासमी जो है पूरे भारतवर्ष के 11,000 संगठनों को साथ लेकर चल रहा है, जो रेडी पटरी लगाकर अपना जीवन व्यापन करते हैं। ऐसे संगठनों को साथ लेकर उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सिंह जी की अध्यक्षता में ये जूम के माध्यम से बैठक थी, जिसमें प्रतिवेदन हमारे राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद सिंह जी ने प्रस्तुत किए, और उसमें सभी राज्यों की जो वर्तमान स्थिति है वेंडर्स को लेकर, स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर, और केंद्र सरकार द्वारा क्या भावी योजनाएं क्रियान्वित हो रही है, उन पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। हरिद्वार के पौश इलाके रानीपुर मोड़ पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। रानीपुर मोड़ स्थित नाले से युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक युवक का नाम आनंदमयी गोदियाल है, जो पौड़ी जिले का निवासी है। दो दिन से युवक लापता बताया जा रहा था। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने
शव को कब्जे में ले लिया है और उसे अब आगे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भी भिजवा दिया है। साथ ही मामले की गहनता से जांच की जा रही है। शव नाली में बरामद हुआ। कोतवाली ज्वालापुर पुलिस द्वारा उस शव को मोर्चरी पहुंचाया गया। 16 तारीख को एक व्यक्ति की मिसिंग लिखी गई थी और इस शव की जो पहचान है वो हल्की फुल्की उससे मिलती थी, इसीलिए उस व्यक्ति के परिजनों को बुलाया गया। परिजनों द्वारा उस शव को तस्दीक करा दिया गया है तथा वह शव पौड़ी निवासी आनंदमय गोडियाल जी का होना पाया गया है। इसमें अब हम लोग पोस्टमार्टम तथा इसके जो पंचायतनामा है उसकी कार्रवाई अमल में। भगवानपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता पुत्र की संदिग्ध परिस्थिति में जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई है। ग्रामीण दोनों को अस्पताल लेकर गए लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि ग्रामीण की पत्नी को एक महीना पूर्व उनकी मौत हो गई थी। इससे पहले वह बेहद दुखी थे, उनके बेटे का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था। माना जा रहा है कि इसी कारण ग्रामीण ने यह कदम उठाया होगा। एक साथ पिता पुत्र की मौत से गांव में मातम छाया हुआ है। रहने वाले हैं, बाप बेटा है, एक बच्चा है जो सिवन जिसकी उम्र 14 साल है और एक बाप है जिसका नाम है जोगिंदर, उनकी उम्र लगभग 40 साल है। उन्होंने कल कोई जहरीला पदार्थ खाया है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। तबस्ता हमारे पास आए, उनका हमने पोस्टमार्टम के लिए सबको सब घर में भिजवा दिया। डेढ़ दो महीना पहले गुजर गई थी और अब उसकी टेंशन में अपना अपना आप भी कर लिया, बच्चे भी मजदूरी अपनी क्या भाव हम ये नहीं कर सकते, हम घर वाले बताते हैं। हरिद्वार के नवोदय नगर वासियों ने पेयजल व्यवस्था को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन और शिवालिक नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। नगरवासियों का आरोप है कि जनवरी 2020 में हरिद्वार जिलाधिकारी कार्यालय से लिखित आदेश भी दिया गया था लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यालय से नवोदय नगर के पेयजल व्यवस्था जल संस्था अपने अधीन ले लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष जनता को गुमराह कर रहे और आज तक नवोदय नगर की पेयजल व्यवस्था जल संस्थान ने हैंडओवर नहीं की गई। कर रहे हैं कि नवोदय नगर की आम जनमानस के लिए जो पीड़ा है, जो बच्चों के भी पेपर भी चल रहे हैं, तो हर घर जल हर घर नल करके भारतीय जनता पार्टी की एक थीम रही है, तो उस थीम के तहत जो है हर नल जो है आज जो है सूखा हो रहा है। उसे मैं 5-6 बार मैंने भी अपने नल को खोला तो पानी नहीं आ रहा उससे, तो लोगों के बच्चों के परीक्षाएं भी चल रही हैं, तो समस्याएं बहुत मतलब बढ़ती जा रही है। तो 2020 में ये सुनने में आया था, जनवरी 2020 में एक शासनादेश आया था कि नगर पालिका अध्यक्ष जी और सीएम कार्यालय में जो है एक ये हुआ कि जो अपने पानी की व्यवस्था है नवोदय नगर की, इसको जो है जल संस्थान को सौंपने की प्रक्रिया हुई। हरिद्वार में घरेलू गैस एजेंसी के कर्मचारी सिलेंडर की डिलीवरी में चूना लगा रहे हैं और उनसे पहले निकाल ली गई गैस। हरिद्वार की रावली मैदू से मामला आया सामने। सिलेंडर का वजन चेक करने पर हुआ खुलासा, वजन चेक करने पर वजन निकला कम। शिकायतों पर भी संबंधित विभाग नहीं कर रहा कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर घरेलू गैस एजेंसी के कर्मचारी लगा रहे हैं चूना सिलेंडर की डिलीवरी करने से पहले निकालते हैं गैस। हरिद्वार की रावली मैदू से आया मामला सामने। सिलेंडर का वजन चेक करते वक्त हुआ खुलासा, वजन चेक करने पर वजन निकला कम। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर घरेलू गैस एजेंसी के कर्मचारी लोगों को चूना लगा रहे हैं। एक तरफ तो लगातार गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को गैस सिलेंडर पर राहत नहीं मिल रही, तो वहीं दूसरी तरफ अब डिलीवरी करने वाले लोग ही यहां पर गैस निकालकर लोगों की और आफत बढ़ा रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से
सिलेंडर जब तोला गया तो उसकी गैस कम निकली और एक खुलासा सामने आया कि गैस एजेंसी वाले लोगों को कम सिलेंडर दे रहे हैं, पैसे पूरे लिए जा रहे हैं लेकिन जो सिलेंडर और गैस लोगों को मिल रही है वो गैस इन सिलेंडरों में कम मिल रही है। अल्मोड़ा में गुलदार का खौफ लगातार बढ़ रहा है। रिहायशी इलाकों में गुलदार की मूवमेंट लगातार देखी जा रही है। अल्मोड़ा शहर के चीना खाना मोहल्ले में मूवमेंट करते दो गुलदार एक साथ सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। गुलदार के मूवमेंट का वीडियो भी सामने आया है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। दो गुलदारों के एक साथ शहर में दिखने से लोगों में खौफ बना हुआ है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मनोज सनवाल ने कहा कि पहले भी चीना खाना इलाके में गुलदार दिखा था, कभी कोई अनहोनी ना हो इसलिए वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की गई थी लेकिन विभागीय अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं अल्मोड़ा से जहां पर चिनाखाना मोहल्ले में गुलदार की मूवमेंट देखी गई है। एक के बाद एक दो गुलदार तस्वीरों में कैद हुए हैं। लोगों का कहना है कि वन अधिकारियों से शिकायत भी की गई लेकिन अभी तक इस मामले में किसी तरह कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई जो अब तेजी से वायरल भी हो रही है। गुलदार के घूमने की खबर से अब लोगों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। लॉ कॉलेज प्रेमनगर में महिला के साथ छेड़छाड़ की खबर के बाद कॉलेज में अब हंगामा मच गया है। छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि कॉलेज में पढ़ रही छात्राओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज में पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं जिन्हें बार बार दबा दिया जाता है। जब कॉलेज का स्टाफ ही सुरक्षित नहीं है तो छात्राएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। पीड़ित महिला वार्डन ने साथ ही पुरुष वार्डन पर आरोप लगाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि महिला से मामले में तहरीर ली जा रही है जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नानकमत्ता घूमने जा रहे युवक का पुरानी रंजिश के चलते अपहरण कर बंधक बनाया गया। पुलिस ने अपहृत युवक को छुड़ाया। वहीं चार आरोपियों को मौके से दबोच लिया गया है। इस दौरान एक युवक भागने में सफल रहा। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी संगीता ने बताया कि हल्द्वानी निवासी प्रियांशु सत्य अपनी बहन निशु सत्य आदित्य जोशी और ऋषभ सिंह के साथ घूमने के लिए नानकमत्ता जा रहा था जिन्हें लालकुआ में दो मोटरसाइकिलों से पीछा कर रहे युवकों ने घेर कर ऋषभ का कैमरा छीन लिया। वहीं जब प्रियांशु सत्य हल्द्वानी की ओर मोटरसाइकिल से भागने लगा तो युवकों ने उसका पीछा कर उसे गुमटी के पास दबोचकर टांडा के जंगल में ले गए। वहां उसके हाथ पांव बांधकर 7 घंटे तक बंदर बनाकर मारपीट यहां पर की गई है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने अपहृत युवक को छुड़ा लिया और एक नाबालिग सहित चार आरोपियों को मौके से ही दबोच लिया है। इनके द्वारा लूटा हुआ कैमरा भी बरामद कर लिया गया। पीड़ित की बयान निशु सती द्वारा दी गई तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है जबकि आरोपियों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को एसएसपी ने 5,000 इनाम दिए जाने की घोषणा की है। थाने में कि एक बहन आई थी कि मेरे भाई को हम लोग नानकमत्ता जा रहे थे, बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन करने जा रहे थे। जैसे ही वो यहाँ पे चौकी के पास बिंदुपत्ता तिराहे के पास आते हैं तो कुछ लोग उनका पीछा करते हुए उनको दिखते हैं तो वो मुड़ के वापस जा रहे होते हैं। वहाँ पे उनके पास जो कैमरा था उनके साथियों के पास उसकी लूट की जाती है और उसमें से यह बताया गया है कि प्रियांशु सती जो था वो भाग रहा था अपनी बाइक से तो पेट्रोल पंप पर नरोला पेट्रोल पंप तो उसके पास उसके जो पीछा करने वाले लोग थे दो बाइक में आए हुए थे। एक बाइक में 3 व्यक्ति थे और दूसरे बाइक में 2 व्यक्ति थे। उनके द्वारा उसके छीनाझपटी की गई और उसको जबरन गाड़ी में बिठा के उसको टांडा जंगल की तरफ ले गए।
और खटीमा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम धामी ने सुनी समस्याएं, भारी बारिश के बीच आवास पर सुनी समस्या, समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन, जन कल्याणकारी योजनाओं का लिया फीडबैक, जनता से लिया योजनाओं का फीडबैक। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक यहां पर लिया गया है, जनता से योजनाओं का फीडबैक लिया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खटीमा से सीएम धामी ने सुनी लोगों की समस्याएं, भारी बारिश के बीच आवास पर लोगों की समस्याएं सुनी है, समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है, जन कल्याणकारी योजनाओं का भी फीडबैक लिया है और इन लोगों से फीडबैक योजनाओं का लिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सीएम धामी बारिश के बावजूद भी लोगों की समस्याएं सुनने के लिए लोगों के बीच पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुन उन्हें जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया है। साथ ही जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका भी फीडबैक जनता से लिया गया है ताकि ये पता चल सके कि धरातल पर योजनाएं कितनी उतारी जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा चंपावत के टनकपुर नगर पहुंचे। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्या, प्रदेश मंत्री विकास शर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री टनकपुर के श्री बांके बिहारी खाटूश्याम मंदिर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम खाटूश्याम बाबा के मंदिर में माथा टेक कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने टनकपुर से राजस्थान के श्री खाटूश्याम मंदिर यात्रा के लिए बस सेवा का पूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ का शुभारंभ किया, जिसके बाद टनकपुर में आयोजित हो रहे आजीविका सरस मेले में सीएम धामी ने शिरकत की, जहां मुख्यमंत्री ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्थानीय समाजसेवी और पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।